ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की अपील की है। इससे पहले वरुण गांधी ने 12 सितंबर को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग की थी। सांसद ने गन्ने के मूल्य में प्रति क्विंटल 25 रुपए की वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि अगर किसी कारणवश और मूल्य वृद्धि संभव न हो तो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से घोषित किए गए गन्ने मूल्य के ऊपर 50 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने पर भी विचार कर सकती है। अब इस सियासी पत्रों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी पहले भी कह चुके हैं कि वो हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। जब भी किसी के साथ अन्याय होता देखा है तो हमेशा आवाज उठाई है। मैंने ये कभी नहीं देखा कि इसका मुझ पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दे, रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों के हक में लागू की गई योजनाओं की चर्चा करते हुए गन्ने के मूल्य में प्रति क्विंटल 25 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है। सोमवार को मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गन्ने की आगामी पेराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ने के मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इस वृद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ना किसान आपसे और ज्यादा मूल्य वृद्धि की आशा कर रहे हैं। वरुण गांधी ने किसानों की मांग को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना एक प्रमुख फसल है जिसकी खेती में लगभग 50 लाख किसान परिवार लगे हुए हैं। लाखों मजदूरों को भी इससे रोजगार मिलता है। मेरे क्षेत्र पीलीभीत के गन्ना किसानों ने मेरे माध्यम से आपको अवगत करवाने का निवेदन किया है। पिछले 4 सालों में गन्ने की लागत खाद, बीज, कीटनाशक, बिजली, पानी, डीजल, मजदूरी, धुलाई आदि का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है, परंतु इसके मूल्य में मामूली बढ़ोतरी की गई। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए सांसद वरुण गांधी ने कहा कि इस विषय में मैंने एक पत्र के माध्यम से आपसे निवेदन किया था कि गन्ना किसानों की दुर्दशा, गन्ने की बढ़ती लागत और महंगाई दर को देखते हुए इस साल गन्ने का मूल्य कम से कम 400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाना चाहिए। अपनी इस मांग पर मुख्यमंत्री से पुनः विचार करने के लिए जोर देते हुए गांधी ने किसानों और मजदूरों के हित में गन्ना मूल्य बढ़ाने की उम्मीद जताई है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार 24 सितंबर को पीलीभीत जिले के पूरनपुर में सांसद वरुण गांधी के काफिले को किसानों ने रोकने का प्रयास किया था। पूरनपुर के गांव मोहनपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सांसद वरुण गांधी का किसान नेताओं ने काले झंडे लेकर विरोध जताया था। मना करने पर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं से अभद्रता भी की गई। वापस लौटने के दौरान सांसद के काफिले को रोकने का प्रयास भी किया गया था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।